ये लीजिए, ये देखिए, गाजर का हलवा तैयार है बनकर। इसे देखकर आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो अंत तक जरूर आ जाएगा। अब इसे बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है चलिए देखते हैं। पहले हम एक चम्मच घी लेंगे, इसमें गाजर को फ्राई करने के लिए। ठंड का मौसम है इसलिए थोड़ा घी जम जाते हैं। अब गाजर को इसमें डाल देंगे। अब इसमें इसको फ्राई करेंगे और इसको इसमें गाजर को थोड़ा स्वाद लाने के लिए इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे, इससे गाजर भी जल्दी से गल जाएगा। अब इसे कुकर में बंद कर देंगे और 2 सीटी तक रखेंगे। इसके बाद 2 सीटी लेने के बाद इसमें दूध ला देंगे 1 कटोरी। इसके बाद इसमें उबाल आ जाएगा, देखेंगे इसको चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे पकड़े ना। इसको ढक देंगे 1 मिनट के लिए। इसे तब तक चलाएंगे जब तक यह पूरी तरह से सूख ना जाए। अभी इसको इसी बीच में फोड़ते भी रहेंगे ताकि गाजर की हलवे की तरह लगे, ना लगे कि खड़ा खड़ा है। इसे बीच में इसमें चलाते भी रहेंगे ताकि कोई दिक्कत। दूध को पूरी तरह से रिड्यूस कर देंगे। अब इसके बाद इसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे ताकि इसमें मिठास आ जाए। अब इसको पूरी तरह से चला देंगे ताकि चीनी पूरी तरह से मिल जाए। अब ये लीजिए, अब ये हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसको भी सुखा लिया जाए। चलाते रहेंगे ताकि नीचे तले में पकड़े ना। ये लीजिए, अब हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम गैस से उतार देंगे। इसको देखकर आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया तो खा के देखें, बना के देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।